कि डेल इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज के लैपटॉप में अगर कोई दिक्कत आता है तो कैसे उसको सही किया जाता है। हमारे पास लैपटॉप ही आया हुआ है, इसके अंदर कीज काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप के अंदर बटन दबा रहा कुछ और तो कुछ और दब रहा है और बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है। तो ये लैपटॉप मेरे पास देख सकते हैं ये है, और इसके अंदर कीबोर्ड की प्रॉब्लम है। तो कीबोर्ड कैसे चेक करें, अगर आपके लैपटॉप में कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं या दुकान से क्लिक कराते हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको आप घर पर रहकर ही चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं स्किप मत करिए, पक्का आप सीख जाएंगे कैसे कैसे जो है इसका कीबोर्ड चेंज किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेके चलता हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आपको खोल दिखाता हूं मैं। डेल इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज लैपटॉप है ये, और देखिए इस लैपटॉप के अंदर हम कीबोर्ड चेंज करेंगे। तो पहले डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने जा रहे हैं हम, और देखिए हमने खोल लिया, जैसे कुछ भी लिख दिया, जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ जोगेंद्र, JOGENDR जोगेंद्र, और SAHANI ठीक है। और उसके बाद कुछ सिंबल देते हैं हम लोग, जैसे अब हम चलते हैं बैक स्पेस पे, बैक स्पेस दिया हुआ है कीबोर्ड का, और इसको हम क्लिक करते हैं मान लीजिए तो कुछ मिट नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब कीबोर्ड खराब है इस लैपटॉप का। तो डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज का कीबोर्ड आपको चेंज करना है, तो आपको बताऊंगा आज की कैसे कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं अपने लैपटॉप के सिंपल तरीके से। देख लीजिए लैपटॉप रखिए, कंप्यूटर हम शट डाउन कर देते हैं, और फिर आपको मैं कीबोर्ड चेंज दिखाता हूँ कि कैसे इसका कीबोर्ड निकलेगा और कैसे इसके कीबोर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए शट डाउन कर रहे हैं अपने लैपटॉप को हम, ये डेल इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज लैपटॉप है ये, तो शट डाउन हो रहा है, और इसको हम खोलेंगे और इसके बाद जो है हम इसका कीबोर्ड चेंज करके आपको सिखा देंगे कैसे इस लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था ये, मतलब कुछ भी बटन काम कर रहा था कभी कभी, और कभी कभी बैक स्पेस काम नहीं कर रहा। कीबोर्ड निकालने के लिए देखिए ये लैपटॉप है, ये यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये गैप एक ये है, एक गैप आपका ये दिया हुआ है, और एक गैप आपका ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ गैप दिया हुआ है, ये गैप कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से जो आपका ये माइनस पेचकस है आप यहाँ इसको डालेंगे और डाल के इसको जो है सिंपल तरीके से लेंगे। अब देखिए मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ तो समझ गए ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जो पांच जगह दिए हुए हैं ये गैप, इसके अंदर माइनस पेचकस डाल के सीधे से सिंपल तरीके से खींच लेना है और आपका निकल जाएगा। तो अब चलिए मैं क्लियर करता हूँ, आपको समझ गए होंगे कि लैपटॉप कैसे ओपन करना है। तो चलिए करेंगे अपना कीबोर्ड हम चेंज करके दिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले कीबोर्ड चेंज करने के उसके हम बैटरी निकालें लैपटॉप का। देखिए दो लॉक दिया हुआ है, ये लॉक है और एक साइड ही लॉक है, तो दोनों इस साइड कर लीजिए आप, दोनों को मैंने साइड कर लिया। देखिए इधर ये करेंगे इसे, इधर कर लीजिए अनलॉक का साइन बना हुआ है और इस साइड में अनलॉक का साइन, इसको पकड़ के नीचे से बैटरी को आप दबाएंगे ऐसे करके, ये बैटरी निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बैटरी निकालने के बाद भी कीबोर्ड चेंज करने के बाद बैटरी लगा रहेगा तो आपकी कुछ शॉर्टिंग हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकता है। तो हमने बैटरी निकाल लिया है, अब चलिए चिमटी से हम उस होल्ड में डालते हैं और कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से। देखिए जल्दी कर रहे हैं हमें, और कर लिया है, और फिर हमने केबल निकाल दिया है, बहुत जल्दी किया हमने, केबल निकाल दिया है। दूसरा कीबोर्ड लेकर आते हैं और इसको लगाते हैं, तो मेरे हाथ में देखिए ये कीबोर्ड आ चुका है, और ये कीबोर्ड है और इसका कनेक्टर देखिए सिंपल तरीके से है। तो आप भी जब चेंज करें कीबोर्ड को तो ये देखिए वीडियो को तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए जो दिया हुआ जैक दिया हुआ है जहाँ पे केबल लगाना है, ये हिस्सा नहीं आपको है, सिंपल तरीके से देखिए इसको हम ऐसे जो तार दिया हुआ तार को, और तार का जो नीचे वाला पार्ट है ऐसे सिंपल इसको प्लेस कर देना है, मतलब बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे कि देखिए ये और नीचे दिया हुआ है, इसको देखिए ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है तो आपका उठ जाएगा, फिर नीचे दबा देना कीबोर्ड लगाने के लिए। तो ये यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, सिंपल उठाएंगे तो केबल निकल जाएगा और निकाल लीजिए केबल आप। तो उस तरीके से लैपटॉप कीबोर्ड का आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड है ये, हमने पहले ही बार खुलवा के जो कीबोर्ड लगा रहे हैं, और देखिए सिंपल तरीके से निकाल रहा हूँ ये, और अब जो केबल कनेक्शन निकाल के और यहाँ पर आपको ऐसे रख देना है और फिर दबा देना है, ये कीबोर्ड लग गया ये, और इसको थोड़ा प्रेशर लगा करके यहाँ दबा दी, जहाँ जहाँ मतलब जैक दिया हुआ था वहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा, मतलब जो होल दिया हुआ था उस होल के पास में लगाएंगे तो ये कीबोर्ड जो है बैठ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत टफ नहीं है, अगर दुकानदार के पास जाएंगे दुकानदार आपसे जो इसी चीज़ का जो है 400-500 रुपये ले लेता है, और आपको सिंपल जो है देना पड़ता है। जो कीबोर्ड है ये लैपटॉप को लगभग 800-900 रुपये का आपको कीबोर्ड मिल जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग रेट होता है, अलग प्रदेश में अलग रेट होता है। हम यूपी में हैं तो ये ठीक है, हमारा कीबोर्ड लग चुका है, अब हम लैपटॉप की बैटरी इसको लगा देते हैं, ठीक है, सेफ होता है बैटरी निकाल के काम करने में। तो देखिए ये बैटरी निकाल लिया और अब हमारा देखिए ये काम हो रहा है, तो देख सकते हो दोस्तों कीबोर्ड चेंज करने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। और चलिए पैक करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं मैं बंद करके। देखिए दोस्तों हमने कीबोर्ड चेंज कर लिया है और हमारा नया कीबोर्ड लग चुका है, और चलते हैं दिखाते हैं प्रॉब्लम जो था प्रॉब्लम सॉल्व होने सॉल्व हुआ। अब ये डेस्कटॉप पे दिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर क्लिक करते हैं, इसको खोलते हैं और ये खुल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लैपटॉप में कीबोर्ड चेंज करने के बाद में। और मैं फिर लिखता हूँ JOGENDR जोगेंद्र, उसके बाद जो है अपना मेरा पूरा जो नाम है वो नाम लिख देता हूँ मैं SAHANI,
स्पेस उसमें नाम लिखे। अब हमारा बैक स्पेस जो है पहले जमाते थे काम नहीं कर रहा था, ये बैक स्पेस बटन है ये देखिए ये, और इसको हम प्रेस करके काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसको हम प्रेस करने जा रहे हैं तो देखिए हमारा काम करता नहीं काम करता है, देखिए अब ये मिट रहा है, उसका मतलब मेरा कीबोर्ड ठीक हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप दबाते हैं ओ तो दबेगा पी, तो इस केस में कीबोर्ड खराब होता है और कुछ हमारे ये स्पेशल कीज काम नहीं करते थे, शिफ्ट के साथ में प्रेस कर रहा था मैं ये आपका कुछ कीज तो काम नहीं कर, लेकिन अब देखिए सब कीज काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और बहुत सिंपल और आसान है कीबोर्ड चेंज करना। चलिए तो आपको अच्छा लगा होगा, हमारा बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था, कुछ स्पेशल कीज काम नहीं कर रहे थे और कीबोर्ड हमने चेंज कर दिया और सब कीज काम करने लगे हैं। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट भी बताया क्या अच्छा वीडियो हम बना सकते हैं और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के डेल का लैपटॉप होगा जिसमें नॉर्मल बिहेव लैपटॉप करता हो, तो बहुत सारे केसेस के अंदर क्या है कीबोर्ड खराब होता है दोस्तों, तो ध्यान लगा लीजिए और इसको आप काम करिए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में।